और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इंपॉर्टेंस दिया जाता है चर्च को। जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है उस तरीके से क्रिश्चियन मानते हैं। क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते हैं। मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को, आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि हम सैटरडे को भी आ चल जाएंगे। चर्च ने कहा, तो ये पूछना चाहता हूँ चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले। इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मजहब में इस्लाम के अलावा जितने दिखर मजहब है वही लोग ब्राह्मण कहते हैं आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा। आप जो हम कहते मानो वो क्या कहते, शूद्रा क्षत्रिया वैश्य आप वेद मत पढ़ो हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण लोग, आप क्षत्रिय आप जाके जंग करो, आप वैश्य आप जाके धंधा करो तिजारत करो, आप शूद्रा है आप हमारे काम करो। आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे। अभी अगला जन्म है क्या ना, बाद में ये जन्म में तो उनको मिल गया ना। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुना है, ये कौन कह रहा है, ब्राह्मण, वेद में तो नहीं लिखा है, आप समझे नहीं। क्यों, तो लोग को वेद से दूर रख रहे, खुदा का कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ, वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे नफ्सत दूर होगी। इसी तरीके से चर्च में, चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे। चर्च अभी है, बाइबल कब आई, हजार साल पहले। But generally they say that you know kind of thing the Bible is a book of the church kind of thing. So you know like I mean what's the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church? Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who's your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका, आपका बनाने वाला, who's your creator? God. तो आप God की बात मानेंगे या चर्च की बात मानेंगे? हाँ ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिसइंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास, नहीं नहीं आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है। इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है। तो कुरान में क्या लिखा है, कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22 वर्स नंबर 32 वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल की आपके लिए तो कौन इसका पर अमल नहीं किए। लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में कि अगर आप नहीं समझ सके तो आप उस इंसान से पूछे जो इल्म रखता है। मतलब अगर आप नहीं जानते तो आलिम से पूछे जो उस मैदान का इल्म रखता है। तो अगर कुछ इख्तिलाफ है, अगर साइंस के बारे में कुरान में लिखा है तो आप साइंटिस्ट से पूछे, उसकी मदद ले सकते। अगर कुछ चीज में इख्तिलाफ है तो उस चीज के लिए आप बाहर इंसान से पूछ सकते। अगर नुज़ूल कुरान जानना चाहते हैं तो ऐसे शेख से पूछे जो दारुल उलूम जा चुका है। तो ये कहना कि चर्च अगर बाइबल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है तो हम मानने को तैयार है। जब बाइबल में लिखा है 2 जमा 2 4 और चर्च कहते हैं 2 जमा 2 5 तो आप किस में मानेंगे, बाइबल या चर्च में? एक भी जगह पूरे बाइबल में बिना शुबा बिना कोई शक के एक भी जुमला नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, फिर भी चर्च कहती है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो आप किस में मानेंगे, बाइबल में या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं, चर्च कहता है कि वो खुदा है, तो आप किसकी बात मानेंगे? अगर मैं बाइबल को मिसइंटरप्रेट करता हूं बताइए ताकि आप गलत है। बाइबल में यह हवाला दीजिए मैथ्यू में लूक में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं खुदा हूं, एक भी नहीं जुमला है। ये मेरा चैलेंज है, जब मैं चैलेंज कर रहा हूं दुनिया में करोड़ों के सामने, मैं डिबेट कर चुका हूं अमेरिका में यूके में हिंदुस्तान में कई टॉप स्कॉलर से, वो जब साबित नहीं कर सके फिर भी आप बोलते चर्च की बात मानो। How would you interpret? अभी मैं आता हूं आपके सवाल के ऊपर, मैं सवाल आप जाता हूं हदीस के बारे में। Sir, no, sir, that, I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians में लिखा है कि चर्च इज द ट्रुथ एंड द पिलर एंड बुलवार्क ऑफ द ट्रुथ। बुलवार्क ऑफ द ट्रुथ कोरिंथियन किसने लिखा है, किसने लिखा कोरिंथियन? सेंट पॉल। हां सेंट पॉल, सेंट पॉल खुदा ने नहीं, बिल्कुल सही। तो मैं ये कहता हूं कि वो जुमला बताओ जो ईसा अलैहि सलाम ने लिखा है। हम मानते हैं कि इंजील अल्लाह कि वही है ईसा अलैहि सलाम के जरिए नाजिल की गई। कोरिंथियंस तो पॉल की, हम पॉल में माने ईसा अलैहि सलाम में माने। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए आप अहकामात को मानो, कमांडमेंट्स को मानो। कोरिंथियंस में लिखा है चर्च इज द बुलमा, कोरिंथियंस में लिखा है कि पुराने ऐदनामा को जोड़ो ईसा अलैहि सलाम को मानो के सूली पे चढ़ गया। तो पॉल की बात मानेंगे या ईसा अलैहि सलाम की बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे? तो जब भी टकराव है, अगर एक किताब पॉल ने लिखी सेंट पॉल ने, एक जुमला ईसा अलैहि सलाम का टकराव होता है, किसकी बात मानेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम की, बिल्कुल सही। इसी तरीके से हदीस में भी आता है, हदीस भी कई किस्म की हदीस है। हम मानते कुरान में और सही हदीस में। कुरान अल्लाह सुभान व तआला ईश्वर खुदा का आखिरी कलाम है, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं, क्योंकि खुदा खुद कहते हैं, अल्लाह सुभान खुद कहते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसमें कोई मिलावट आ ही नहीं सकती। दूसरी चीज है हदीस,
हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, उनका कॉल है। हदीस इकट्ठा नहीं हुई थी, हदीस इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हुआ 50 साल बाद, 100 साल बाद। तो अभी हम तहकीक करते हैं ये हदीस सही हदीस है क्या नहीं, क्या अल्लाह के रसूल ने सही में कहा कि नहीं। तो तहकीक के बाद स्कॉलर्स कहते हैं ये सही हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है और ये मौज़ू हदीस है। तो इस तरीके से हदीस की कैटेगरी, सही हदीस पर अमल करना चाहिए, ज़ईफ और मौज़ू हदीस पर हमें अमल नहीं करना चाहिए। सही हदीस में भी क्राइटेरिया है, 10 क्राइटेरिया है जो वक्त नहीं कहने के लिए। तो हदीस में भी क्राइटेरिया है सही या गलत, और उसकी एक साइंस है, खाली नहीं ये मानो इसमें मत मानो, वो साइंस है जिसे पता लग सकता है कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ है। तो ये जो स्कॉलर तो जाते हैं वो ज़ईफ हदीस कोट करते, मौज़ू कोट करते, जो हम भी नहीं मानते, तो वो जो गलती निकालते वो हदीस को मानते ही नहीं कि सही हदीस है। मुस्लिम को सिर्फ मानना चाहिए कुरान और सही हदीस। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सर।